लेकिन अगर नहीं कांग्रेस की सरकार आती है तो वो धोखा बरसती, वो भ्रष्टाचार, वो भाई बनी जावा, वो मुड़मुड़ा व्यक्ति अपने को दे जैसे कहावत है, उस प्रकार का विषय आज से 10 साल के अंदर बात करके भी उस विषय को जरूर संविधान का तंत्र और लोगों को विधान कराना है। विक्रम सर को कमर कसना पड़ेगा। हरियाणा में इस विवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनानी है। हरियाणा भी मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगा। मुगालत है, गलत फैल है, क्या हरियाणा को फिर लूटने की काम करेंगे? वो सपना देखना छोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा की सेवा करने के लिए हमारे नियंत्रण में है, हम स्वतंत्र रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में आयोजित अभिनंदन समारोह में भाजपा के सभी दिग्गज नेता एक मंच पर पहुंचे और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने की हुंकार भर दी। जी हां, भाजपा के अभिनंदन समारोह में हरियाणा के नवनियुक्त चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी प्रदेश प्रभारी बिप्लव देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई मंत्री, विधायक और नवनिर्वाचित सांसद पहुंचे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अगले 100 दिन में तीसरी बार सरकार बनाने का रोड मैप तैयार करने की बात कही और साथ ही ये भी कहा कि सरकार बनाने का सपना देख रहे कांग्रेस को लूट का मौका अब कभी नहीं मिलेगा। हमने तो ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए रचना बनाई। जिन्होंने भी शासन चलाया, पहले मनोहर लाल जी हो, अनिल बीच जी हो या उन्होंने तो ईमानदारी से लोक कल्याण के लिए योजना बनाई। कभी कभी ये योजना लोगों के मन को आ पा रही है, कभी नहीं भी आता। लेकिन मित्रों, सुधार में कोई गलती नहीं होती, हम सुधारेंगे। यह प्रजातांत्रिक पार्टी है, आपकी संदेश, आपके प्रस्ताव से, आपके सुझाव से हम कुछ भी चीज को सुधारने के लिए खुले मन का आपसे बात करें। प्रजातंत्र में लोगों की बात को मानना सबसे पवित्र काम होती है। आप तो अपने हैं, आप तो एक पार्टी के मालिक हैं, आप जो होंगे ऐसे चीजों को बनाने के हम लोग काम करें। मित्रों, हरियाणा में 19,812 बूथ है, 7,200 गांव है, 312 मंडल है, 22 जिला है और हमारे पास सिर्फ 103 है। अभी विक्रम जी कह रहे थे 4 महीना, अगर हम जून के 8-9 दिन को गिनेंगे तो 4 महीना आता है, लेकिन दिन गिनेंगे तो मिशन 100 है हमारे सामने। 100 डेज 2020 की जमाना है और ताकत जो लोग मुगालत में है, गलत फैले है, क्या हरियाणा को फिर लूटने की काम करेंगे? वो सपना देखना छोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा की सेवा करने के लिए हमारे नियंत्रण में है, हम स्वतंत्र रहेंगे। हमारे कोई शत्रु नहीं है, लेकिन हम प्रतिद्वंदी की षड्यंत्र को समझे। ये बहुरूपिया कांग्रेस जिन्होंने हरियाणा में वो दिन हम भूले नहीं है। मैं कार्यकर्ता मित्रों को आह्वान करना चाहता हूं, आपके गांव में जो गरीब परिवार में कांग्रेस की राज पार्टी के कैबिनेट के प्रधानमंत्री के फैसला को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कागज की टुकड़ा कहकर भाग दिए थे, पत्रकारों के सामने नॉनसेंस कहा था। यह हम नसीहत देंगे संविधान के बारे में। ये बहुरूपिया कांग्रेस है, हरियाणा के गांव कांग्रेस के अत्याचार को भुला दी, विशेष करके दलित समाज पर हुए अत्याचार को भुला दी। उधर पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी हुड्डा के गढ़ में जबरदस्त हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि केंद्र में तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाकर भाजपा ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अब हरियाणा की बारी है। इतना ही नहीं, मनोहर लाल ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को सावधान करते हुए ये भी कहा
कि अगर गलती से कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन गई, तो फिर से धींगा मस्ती का शासन शुरू हो जाएगा। सरकारें हैं, काम करने के बाद भी नई नई आवश्यकताएं भी बनती हैं, काम नहीं भी होते होंगे, लेकिन एक बात का तो ध्यान रखना कि भारतीय जनता पार्टी जीते अथवा कोई दूसरा दल जीते, इन दोनों में अंतर क्या आएगा? हमारा काम आज हुआ, नहीं हुआ, कल होगा, निश्चित होगा, ये बचे हुए 3 महीनों में भी होगा। लेकिन अगर नहीं कांग्रेस की सरकार आती है तो वो धींगा मस्ती, वो भ्रष्टाचार, वो भाई भतीजावाद, वो गुड़गुड़ा रेवड़ी अपने को दे जैसे कहावत है, उस प्रकार का विषय आज से 10 साल पहले जो सरकार चलती थी उस विषय को जरूर स्वयं विधान करना मित्रों और लोगों को विधान कराना है। इसलिए इस सरकार के समय क्या हुआ इसकी तुलना करते हुए और हमको हम सब कार्यकर्ताओं को एक जीतने का भाव सामने लेकर इसलिए आगे बढ़ना होगा। हमारी भावना जैसी होगी उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। आज जिस प्रकार की थोड़ी कमी रही, इस कमी को पूरा करने के लिए ये जो कार्यकर्ता और बैठा मित्रों, अगर हमने कमर कस ली तो कोई ताकत नहीं है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न आए। रोहतक में लगे भाजपा के इस मंच पर किरण चौधरी, सुभाष बराला, रामचंद्र जांगड़ा, ओपी धनखड़, कमलेश ढांडा समेत पूरे प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर भाजपा नेताओं की ओर से कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए गए और जीत को लेकर उनमें नया जोश भी भरा गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए पूरा भारत पीएम मोदी के साथ खड़ा है और हरियाणा भी मोदी के साथ ही चलेगा। हमारे लिए बड़े गर्व का दिन है कि लगातार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने तीसरी बार देश के अंदर एक मजबूत सरकार के रूप में शपथ लिया है, ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और उस दिशा में हरियाणा भी मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगा और जो अक्टूबर के अंदर ये चुनाव आएगा हरियाणा में भी तीसरी बार भाइयों विधानसभा के अंदर आपकी सरकार बनेगी, उसका आगाज करने के लिए आज हमारे बीच में नरेंद्र प्रधान जी पहुंचे हैं। बता दें कि हुड्डा के गढ़ रोहतक में आज भाजपा के दर्जनों दिग्गज नेताओं ने मंच से जोरदार दहाड़ लगाई। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हुड्डा पिता पुत्र और कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व हरियाणा में सरकार बनाने का सपना देख रहा है, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया, हमेशा अपने राज में लूट खसोट की, उसे जनता दोबारा सत्ता नहीं सौंपेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने की अपील की और कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी के मालिक हैं और इन्हीं की मेहनत पर हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।